दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां चालू है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सभी क्षेत्र में जाकर अभी से कई कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी पीछे नहीं है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वैसे तो एनडीए गठबंधन में है, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने केंद्रीय कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड 18 नंबर पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के कोने कोने से लोग उपस्थित हुए। सभी ने दिल्ली के कोने कोने की समस्या बताई। बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी उपस्थित हुए। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष ने दिल्ली के कई मुद्दे पर बात की और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। पहले तो सभी मीडिया को, प्रभारियों को, सभी जो आयोजित यहाँ पर आए हैं, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमन। मैं एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति का एक सिपाही और सिपाही के रूप में काम करता हूँ और हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता दिल्ली में पूर्ण तरह से मजबूत है। जो भी हम समीक्षा कर रहे हैं, जहाँ भी हमारी पार्टी का यूथ कमजोर है, हम उसको दिन रात एक करके मजबूत करने पर लगे हुए हैं। इस पार्टी में सब सिपाही हैं, कोई किसी की पोस्ट नहीं है। देश के लिए काम करेंगे, दिल्ली के लिए काम। दिल्ली 50 साल पीछे है और स्टेट से, ना रोड है, ना नाली है, ना पानी है, कोई भी सुविधा दिल्ली के अंदर इस टाइम पे नहीं है। पब्लिक तराई तराई कर रही है, वही मुद्दे लेके और ना लेबर के साथ में कोई जो है अच्छी तरह व्यवहार हो रहा है। उन्हीं मुद्दों को लेते हुए हमारी पार्टी पब्लिक के बीच में जाएगी और घर घर जाएगी और घर घर जाके हाथ जोड़ के अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। केजरीवाल जी अपना काम करेंगे, हमने अपना काम करना मानी नहीं। केजरीवाल जी सपरिये हैं, पब्लिक ने उन्होंने का काम देखा है और हम भी उनका काम देख रहे हैं। जो भी काम किया पब्लिक के इतनी इच्छा किया और हम उससे भी अच्छा करेंगे। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।